है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर पिंकिश ग्लो आए, आपकी स्किन दाग धब्बे झाइयाँ डार्कनेस दूर हो जाए, आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट एंड स्पॉटलेस हो जाए, तो इस DIY रेमेडी को, इस DIY क्रीम को आप ज़रूर ट्राई करें। डेली रात को सोने से पहले अगर आप इसे यूज़ करोगे तो जब सुबह उठोगे तो आपके चेहरे पर जो निखार होगा, जो चमक होगी, वो देखने लायक होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हम इस DIY क्रीम को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है वाटरमेलन का एक पीस। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो तरबूज तो सबके घर में आता ही है, और ये आपकी हेल्थ के लिए जितना ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपकी स्किन के लिए भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपको क्या करना है, आपको इसको आप इस तरीके से आप इसे ग्रेट करके या फिर मिक्सी में पीस के इसका इजीली जूस निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ग्रेट करके छान लूँगी तो ईजिली मैं इसका रस निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वाटर होता है कि आप ईज़िली इसको निकाल सकते हैं, इसका जो पानी है वो आप निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका जो पानी है वो स्टेन कर लिया है, छान लिया है। अब क्रीम बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक क्रीम बोल। उसके बाद आपको क्रीम बनाने के लिए यूज़ करना है सबसे पहले एलोवेरा जेल। आपको उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल यूज़ करना है। एलोवेरा जेल स्किन से दाग धब्बे झाइयों को दूर करेगा, टैनिंग को रिमूव करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को डीपली क्लीन करके स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा। उसके बाद आपको इसमें ऐड करनी है 1 विटामिन E कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएगी, और आपको इसमें 1 विटामिन E कैप्सूल ऐड करनी है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन जूस जो आपने यहाँ पर निकाला, और आपको कितना यूज़ करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच। 2 चम्मच से ही आपकी जो क्रीम है वो एकदम रेडी हो चुकाएगी। तो आपको इसमें 2 चम्मच तरबूज का रस ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा जेल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मार्केट की जेल क्रीम होती है, वैसे ही हमारी जेल क्रीम एकदम रेडी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हमारी DIY क्रीम एकदम रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आप इसे, आप कोई भी क्लीन कंटेनर ले लीजिए जिसमें आपको इसको स्टोर करके आप इजीली इसे 1 वीक तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसे किसी भी कंटेनर में 1 वीक तक इजीली फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल क्रीम है। मैं आपको बताती हूँ कि इसे अभी यूज़ किस तरीके से करना है। जब भी आप इसे रात को सोने से पहले अप्लाई करें, उससे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको स्मूथली मसाज करते हुए इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। देखिए, इस तरीके से बहुत ही स्मूथली, जैसे कि आप मार्केट की क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से आपको इस जेल क्रीम को भी अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है। बहुत ही स्मूथली मसाज करते हुए अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको तब तक अपने फेस की मसाज करनी है जब तक कि ये क्रीम आपके स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब ना हो जाए। उसके बाद आपको इसे ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना है। ओवरनाइट रखने के बाद आपको सुबह नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है, और आप देखेंगे कि आपके फेस पर जो चमक होगी, जो निखार होगा, वो देखने लायक होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पर पिंकिश ग्लो आए, पिंकिश निखार आए, तो इस DIY रेमेडी को, इस DIY क्रीम को ज़रूर ट्राई करें। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। मार्केट की महंगी महंगी क्रीम यूज़ करने की बजाय अगर आप घर की बनी नेचुरल क्रीम यूज़ करोगे तो आपके स्किन पर जो ग्लो होगा, जो निखार होगा, वो देखने लायक होगा। और देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइनी नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्रीम है, और इस क्रीम के साथ साथ इसे अपने आईज़ के अराउंड भी लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपके आईज़ के अराउंड डार्क सर्कल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप अपने डार्क सर्कल्स पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पर ग्लो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील कर रही है स्किन। तो आप इस DIY क्रीम को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। घर की बनी अगर आप नेचुरल क्रीम यूज़ करोगे तो आपकी स्किन को हार्म का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है जिससे आपकी स्किन को कोई हार्म हो। बहुत ही नेचुरल चीज़ों से बनी है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, और आपको वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।